आज सोचा है कुछ ना जीरो बैलेंस पे, मतलब जीरो बैलेंस पे कैसे एक्सप्लोर करें वो चीज़ सोचा है। तो चलिए जीरो बैलेंस पे एक्सप्लोर कैसे करते हैं वो चीज़ देखते हैं। और ये वॉशिंग मतलब ज़ीरो रुपए में पूरा डे इवन नाइट दोनों स्पेंड करें जाता है। और ये भी अच्छा, बहुत बड़ा सिटी है, मुंबई की तरह ही है, मुंबई से मतलब क्या बराबर ही है बोलो तो नवी मुंबई महानगर पालिका इसको बोलते हैं। और मतलब स्मार्ट सिटी है एक तरीके से देखा जाए तो, बहुत स्मार्ट सिटी है। और यहाँ का रोड बहुत स्ट्रिक्ट है, हर चीज़ बहुत स्ट्रिक्ट है। पब्लिक एरिया में यहाँ पे स्पिट नहीं करना है, इधर उधर फालतू में कुछ फेंकना नहीं है, और बहुत कुछ है यहाँ पे। तो सही है, अच्छा है। इंडिया में कुछ जगह ऐसा है जो बहुत डेवलप और हद से ज़्यादा डेवलप है, जैसे कि अभी नवी मुंबई में जो बनने जा रहा है, अभी एक एयरपोर्ट बन रहा है, एक जेवर एयरपोर्ट बन रहा है वो, और एक यहाँ एयरपोर्ट बन नवी मुंबई का। ये सब एयरपोर्ट जो है मतलब इंडिया की आने वाला अपकमिंग शान कहेंगे उसको, मतलब प्राउड फील कर सकता है लेकिन हाँ अपने इंडिया में अभी मतलब कुछ अच्छा चीज़ हो रहा है। वैसे तो हाँ करप्शन तो है ही, सबको पता है करप्शन बहुत है, और ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि करप्शन नहीं है। करप्शन अनलिमिटेड है, इतना है कि मतलब कुछ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो आज का डे, आज सॉरी इवनिंग जो है हम लोग का, आज नाइट के साथ आज कहीं जा रहे हैं तो उस चीज़ को लेके अभी हम लोग चलते हैं आगे। और कोशिश करेंगे कि कम से कम बजट में आज के नाइट स्पेंड कर सके, मतलब घूम सके कहीं, ठीक है। एक्सपेंसिव एरिया है ये भी एक तरीके से देखा जाता है। तो वाशी जो है ये थाने डिस्ट्रिक्ट में आता है, और बहुत अच्छा सिटी है। इवन रूल रेगुलेशन, यहाँ के पब्लिक, आई मीन यहाँ कहे तो एक तरीके से यहाँ के लोग किसी से उतना कुछ खास मतलब इंटरफेयर नहीं करते, कौन क्या कर रहा है अपना अपने में रहते हैं। बट थोड़ा आउटर में चले जाएं, आउट ऑफ मुंबई के, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग ये कोशिश करते हैं कि मतलब क्या कर रहा बंदा क्या नहीं कर रहा, तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता वो चीज़। यहाँ कोई इंटरफेयर नहीं है, और ये सेंट्रल मॉल है, सेंटर वन, इधर बहुत बड़ा बड़ा मॉल है। डूब चुका है मुंबई में सूरज, थोड़ा लेट डूबता है। और ये है इनऑर्बिट मॉल, बड़े बड़े मॉल कर सकता है यहाँ पे, मतलब एक अच्छा इनऑर्बिट है, सफर स्टॉप है, उसके बाद स्टारबक्स है, अमीरों का जगह इसको अमीरों का जगह कहते हैं कि मतलब बजट फ्रेंडली काम हो जाए, जैसे कि कहीं अगर मान लो काम कुछ भी अपना काम कंप्लीट करके आदमी कहीं निकलता है तो सस्ता में काम। और इंडियन का तो एक तरीके का ये चीज़ है ना कि इंडियन चाहते हैं कि सब कुछ सस्ते में ही हो जाए, सस्ता, हर चीज़ सस्ता चाहिए इंडियन को। तो उस इंडियन में से मैं भी हूँ, और हमें भी सस्ता पसंद है, इवन बार्गेनिंग भी करते हैं, अच्छा लगता है बार्गेनिंग करने में। और बार्गेनिंग करना तो मैंने अपने नाना से सीखा, बहुत अच्छा बार्गेनिंग करना बताए मेरे को, शुक्र है नाना का मेरे, अल्लाह को जन्नत नसीब करे। तो अब चलते चलते आ गए हैं, साला बुझा नहीं रहा लैंग्वेज, बुझावत नहीं है। NMMC अंडरपास, तो अंडरपास है तो पता है, लेकिन ना मुँह मा पा भुयारी मार्ग, भुयारी, भुयारी का मतलब होता है कि अपने बिहारी की लैंग्वेज में बोलते हैं उसको भुइया, भुइया को बोलते हैं, पढ़ाई वैसे नहीं होता कि ज़मीन पे बैठ के पढ़ना वैसे। चलिए अब यहाँ से चलते हैं आगे, कोई कमेंट करके बता ही नहीं रहा वीडियो कैसा बन रहा कैसा नहीं, मतलब इतना मेहनत करे कोई फ़ायदा नहीं है ना, मतलब नुकसान ही जा रहा है। कमेंट्स करो यार, बताओ कैसा लग रहा कैसा नहीं, क्योंकि आगे चल के मान लो आप भी अगर कहीं जा, वीडियो बनाने का मकसद क्या होता है पता है, मतलब एक ये नहीं होता है कि हाँ वीडियो स्कैम, हम इससे ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वीडियो बनाने का ना एक सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों को बताना
मेरा एक यही मोटिव है साफ साफ कि लोगों को बताना कि आप फ्रॉड से कैसे बच सकते हो, किधर कैसे सरवाइव करना है, कैसे रहना है। तो मेरा एक ये पर्सनल, मतलब अंदर की आत्मा बता रही है, पर्सनल फीलिंग है कि वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है ना। क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं है कि हाँ यूट्यूब से कितना अर्निंग हो जाएगा यार, कोई खास अर्निंग का कोई मेरा मोटिव ही नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये है ना कि जो लोग, स्पेशली हमारे बिहार के लोग जो हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, तो उनको ये मतलब थोड़ा भी अटेंशन नहीं होता है कि हाँ हम बाहर शहर में कैसे रहेंगे, कैसे गुजारा होगा, और गुजारा करते करते भी गुजारा हो जाता, हाँ तो कैसे गुजारा होगा वहाँ पे, सरवाइव कैसे करेंगे। ये सब चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को हम लोग ना लाइट में लेते, एकदम केयर ही नहीं करते, इस चीज़ को हमको ध्यान रखना होगा। ओके, सब्ज़ी मार्केट सस्ता नहीं, मतलब फ्रेंडली है, सब्ज़ी वगैरह यहाँ सही रेट में मिल जाता है भाई। अमीरों का जगह है, अमीरों का खाना, अमीरों की सब्ज़ी, हर चीज़ हर तरीके की सब्ज़ी मिल जाएगी यहाँ। फिर सिग्नल का ज़रूरत ही क्या है, ये सिग्नल का, इस सिग्नल का ज़रूरत ही नहीं, जब 50-100 में काम हो ही जाता है तो फिर सिग्नल का क्या ज़रूरत है। बस अपने आप को सुधारना है और कुछ नहीं। अभी एक भाई मिल गए, उनके थ्रू लिफ्ट मिल गई, अभी इनको जाना है सब्ज़ी मंडी, सब्ज़ी मार्केट है, और मैं चला हूँ उसी साइड में। तो आज का ब्लॉग में यही बताया था मैंने कि आज ज़ीरो बैलेंस से कैसे सफ़र करेंगे, कैसे। तो ये है भाई का ट्रक, और भाई लोग औरंगाबाद से आ रहे हैं और बहुत मस्ती से आ रहे हैं, इंजॉय करते हुए एकदम मस्ती से आ रहे हैं, और एकदम एक्यूरेट टाइमिंग पे पहुंच गए हैं। और मैं भी पहली बार ट्रक में सफ़र कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है भाई लोग के साथ। देख सकते हैं नज़ारा कितना ज़बरदस्त है, एकदम 5-स्टार वाला फीलिंग है। और मैं अभी यहाँ से निकल रहे हैं, इनको जाना है फल के मार्केट, और मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। तो अपना जर्नी भाई के साथ यही जर्नी ख़त्म होता है, और भाई मेरे को छोड़ दिए। इसको ओपन कैसे हो, यहाँ से लाइट ओपन, और टूटा फूटा लैंग्वेज में बेचारा भाई बोला जो भी बोलना था, उसको बहुत खुश हुआ। अच्छा लगता है यार जब रात में कोई अनजान मिले और हेल्प करे, हेल्प तो बहुत कर अच्छा देता है ना, तो यार बहुत अच्छा लगता है। मतलब मान लो मेरे को तो ज़रूरत नहीं थी हेल्प की, लेकिन उसको रास्ता बताना था भाई को, और मेरे को जाना था अपने मंजिल पे, तो यार दिल से अच्छा लगता है भाई, दिल से अच्छा लगता है। एक तरीके से बोला जाए तो अच्छा भी है और सही नहीं भी है, क्योंकि लाइट सही नहीं आ रहा है, क्यों, हाँ अब सही आ रहा है। क्योंकि ज़्यादातर होता ये है ना कि मतलब बहुत कमी है लोग जो हेल्प करते हैं अभी के डेट में, तो थैंक यू भाई। नाइट में काम हो रहा है, देखो कितना मेहनत से बेचारे काम कर रहे हैं, नाइट में जाग कर सारे जितने भी है पूरा मेहनत कर रहे हैं सारे लोग अपना, ये पब्लिक के आराम के लिए रात में जाग के काम करते हैं भाई सारे। तो काफ़ी दूर चलने के बाद, बहुत लिफ्ट मांगने होने के बाद, लिफ्ट तो मिलता नहीं है जल्दी, वैसे बहुत मुश्किल से लिफ्ट मिला, और वो ट्रक वाला ने बेचारा लिफ्ट दिया, बहुत अच्छा, थैंक यू भाई, ऐसी सबका हेल्प करते रहो ज़रूर। तो सुबह की लिफ्ट का उद्घाटन सबसे पहले मेरे से हुआ, और इस लिफ्ट से भी पहला उद्घाटन मेरा ही होगा। कि दुनिया कितना बड़ा है, और लोग अगर चाहें तो बहुत लोगों का हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कोई करता नहीं है, वैसे करना चाहिए, अच्छी बात है। एक चीज़ नोटिस की है हमने कि लोग कितना भी परेशान रहे कोई जल्दी हेल्प नहीं करता,
एक तो मान लो अभी तो अपना शौक है अपना कि आदमी को जाना है कहीं भी, ये रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं क्योंकि रेलवे ट्रेन अभी खुलेगा नहीं, खुलता है 4:03 पे। और अच्छा लगता है जब कोई हेल्प करता है किसी का भी, कोई भी हो। अभी स्टेशन पे आ चुके हैं और आते के साथ बहुत अच्छा चीज़ दिखा, माशाल्लाह बहुत अच्छा चीज़ मिला। ये है कि द अल्लाह ऑफ इस्लाम इज़ द सेम इज़ द गॉड एज द गॉड ऑफ क्रिश्चियन एंड द ईश्वर ऑफ हिंदूज। हिंदी में परहित सरिम धर्म नहीं, भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ये सब कुछ चीज़ है ना, देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि आज भी इंसानियत है, भाईचारगी है। और ट्रेन फर्स्ट ट्रेन पहला उद्घाटन मेरे से होगा यानी 4, और ट्रेन एकदम टाइमली अपने स्टेशन पे आके खड़ी हो चुकी है। यह ट्रेन, चलते हैं ट्रेन। हड़बड़ लाइन से ट्रेन खुल चुकी है एग्जैक्टली 4:03 और पूरा ट्रेन को बुक कर चुके हैं हम। कोई नहीं है पूरे ट्रेन में, खाली है। सब कोई यहाँ भी बहुत जल्दी उड़ जा रहा है। ओके।